कार्ड ले लो, कार्ड वीजा कार्ड ले लो, रुपए कार्ड ले लो, मास्टर कार्ड ले लो। सॉरी दोस्तों, नमस्कार, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करूंगा। आज हम बात करेंगे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड के बारे में, और मैं बताऊंगा कि इन तीनों कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस जानने से पहले हमें थोड़ा सा इनके पास्ट के बारे में जानना जरूरी। जब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई तो लोग जो है वो बैंक में ही जाते थे अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए और पैसा विड्रॉल करने के लिए। पर प्रॉब्लम तब होने लगी जब पॉपुलेशन बढ़ गई, बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे बैंकिंग सिस्टम ने एक आइडिया सोचा और इस आइडिया के तहत एक एटीएम कार्ड इशू किया गया। इस एटीएम कार्ड इशू करने से यह फायदा हुआ कि जगह जगह एटीएम बना दिए गए और जो कस्टमर्स थे वो एटीएम में जाते और अपना पैसा निकाल सकते थे। सभी बैंकों ने अपने अपने एटीएम लगभग पूरे इंडिया में, पूरी शहर में, हर जगह अपने एटीएम लगा दिए और जिसको जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी वो वहां जाता और पैसा वहां से विड्रॉल करता, जिससे बैंकों की जो लगने वाली लाइनें थी वो पहले से कम हो गई। फिर एटीएम सिस्टम में भी आगे जो है लोग प्रॉब्लम फेस करने लगे। प्रॉब्लम जैसे कि शॉपिंग की या किसी अन्य ट्रांजेक्शन के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंकिंग सिस्टम ने नए कार्ड, एटीएम कार्ड को ही मॉडिफाई करके नए तरीके के कार्ड इशू करे, जिनका नाम रखा गया डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड जो है ये मार्केट में बड़े ही पॉपुलर हुए, पर इनमें भी एक प्रॉब्लम आगे देखने को मिली। अब डेबिट कार्ड में ये प्रॉब्लम होने लगी कि अगर आप शॉपिंग करने किसी शॉप पर जाते हैं, आपके पास जो डेबिट कार्ड है वो सपोज HDFC का है और जो दुकान वाले का अकाउंट है वो SBI बैंक में अकाउंट है, तो इस तरीके से लोगों को बड़ी ही प्रॉब्लम होने लगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इस प्रॉब्लम का मौके का फायदा उठाने के लिए दो कंपनियां, कौन कौन सी, एक तो वीजा और दूसरी मास्टर कार्ड, इन्होंने गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल रखा। इन दो कंपनियों ने, वीजा और मास्टर कार्ड कंपनियों ने मौके का फायदा उठाया और सभी बैंकों से टाइप किया, और सभी बैंकों को टाइप करने के, ये दोनों ही जो है वो US बेस्ड कंपनी थी और दोनों ही कंपनियों ने अपने प्रिंट वाले या अपने एडवर्टाइजमेंट वाले कार्ड सभी बैंकों को बोला कि वो उनके ही एडवर्टाइजमेंट वाले कार्ड जो है कस्टमर्स को इशू करे। इससे क्या होता था कि जब आप कार्ड स्वाइप कराते थे, शॉपिंग करते थे, कार्ड स्वाइप कराते थे, आपके बैंक से तो पैसा डिडक्ट हो जाता था, पर जो शॉपकीपर है उसको पैसा 2 दिन के अंदर प्रोसेस होने के बाद 2 दिन के अंदर 1% से लेकर 2% तक जो भी है सर्विस कॉस्ट चार्ज करने के बाद मिलता था। वीजा और जो मास्टर कंपनी है ये लोग पेमेंट नेटवर्क की तरह काम करने लगे और उन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली सभी के साथ टाई अप कर लिया और इन दोनों ने एक ओलिगोपॉली सिचुएशन को क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर हम दोनों में तो कंपटीशन रहेगा बट हम किसी तीसरे को मार्केट में नहीं आने देंगे। रुपए कार्ड आने से इंडिया में इनको जो है बहुत तगड़ी टक्कर मिलने लगी और जिससे आप देख सकते हो कि आजकल ये दोनों अपने अपने एडवर्टाइजमेंट करने लगे हैं अपने कार्ड को बेचने के। सिचुएशन देखो कैसी होने लगी कि अपने देश का कस्टमर कोई शॉपिंग कर रहा है अपने ही देश में, पर जो पैसा है वो बाहर विदेश में जाके 2 दिन में प्रोसेस होकर फिर इंडिया में वापस आएगा कमीशन काटने के बाद। इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन दोनों कंपनियों को कंपटीशन देने के लिए अपनी एक भारतीय कंपनी को जो है बाजार में लॉन्च कर दिया, रुपे कार्ड। और रुपे कार्ड लॉन्च करने से पहले भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार का कार्ड था तो इस कार्ड को सभी बैंकों के साथ टाइप कर दिया गया। तो अब इस कार्ड के हम आपको कुछ बेनिफिट बताना चाहूंगा जो कंपेयर वीजा और मास्टर कार्ड में नहीं मिलते। सबसे पहला बेनिफिट नंबर 1, रुपे कार्ड में जो ट्रांजेक्शन चार्जेस वीजा और मास्टर कार्ड में लगता है उसके मुकाबले यहां पर ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है वो कम चार्ज किया जाता है। सेकेंड बेनिफिट, जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड को इश्यू करने के जो चार्जेस है वो बैंक आपसे लेता है, रुपे कार्ड को इश्यू करने के कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे क्योंकि इंडिया का कार्ड है, इंडिया का पैसा है। थर्ड बेनिफिट, रुपे कार्ड को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से हम अपने ही इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहता है। फोर्थ बेनिफिट, और दोस्तों अच्छी बात यह है कि रुपे कार्ड नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी चलने लगा है। जो इंटरनेशनल रुपे कार्ड जो बाहर भी इंटरनेशनली भी वैलिड होता है उसका नाम है रुपे प्लेटिनम कार्ड, वो हर किसी कस्टमर को इशू नहीं होता, उसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट
होती है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अगर आप आज किसी भी बैंक में कोई डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड इशू कराने जाते हो तो आपको रुपए का ही कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा, पर मास्टर और वीजा का कार्ड के लिए भी आप उनसे डिमांड कर सकते हो, वो आपको मना नहीं करेंगे। बट गवर्नमेंट ने ट्राई यही किया है कि सभी बैंकों में सिर्फ रुपए कार्ड ही इशू किया जाए जिससे अपने देश को बढ़ावा मिले।